वॉटन का एमबीए एग्जाम हो या मेडिकल लाइसेंसिंग के लिए दिया जा रहा पेपर, कितनी पढ़ाई करनी होती है, कितनी तैयारी करनी होती है, कितनी रिसर्च लगती है। लेकिन अगर ये काम कोई चुटकी बजाते कर दे तो ऐसा ही एक जीनी है चैट जीपीटी, जो आज 10 करोड़ से ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं। कोई शानदार ऐसे लिख कर क्लास टॉप कर रहा है, कोई कोडिंग कर रहा है, लेकिन क्या ये एथिकल है? क्या एआई का गैर जरूरी इस्तेमाल हमें एक ऐसे फ्यूचर की ओर धकेल रहा है जहां से लौटना मुश्किल होगा? क्या चैट जीपीटी हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम को बदल सकता है? चलिए ढूंढते हैं ऐसे ही कुछ जरूरी सवालों के जवाब। सबसे बड़ा चैलेंज है एजुकेटर्स और टीचर्स के लिए इस बात का पता लगाना कि स्टूडेंट ने जो असाइनमेंट किया है वो खुद किया है या चैट जीपीटी के लिखे हुए को बस कॉपी कर दिया है। माइक्रोसॉफ्ट फंडेड ओपन एआई कंपनी का बनाया गया ये चैट बॉट हर यूजर के लिए नए तरीके से आंसर्स जेनरेट कर सकता है। ये जवाब आसान होते हैं, कॉन्वर्जेशनल होते हैं और हर बार नए भी होते हैं। ये तो साबित हो चुका है कि चैट जीपीटी रिसर्च से लेकर राइटिंग तक कई तरह से मदद कर सकता है, तो फिर परेशानी आखिर कहाँ है? सच पूछा जाए तो एजुकेशन सिस्टम हमेशा से ही ओरिजिनल थिंकिंग, रिसर्च और क्रिएटिविटी को प्रायोरिटी देता रहा है। लेकिन अगर इसमें से आधे से ज्यादा काम कोई एआई बॉट करने लगे तो इस सिचुएशन से कैसे डील किया जाए? अमेरिका के कई स्कूलों में जब बच्चे चैट जीपीटी से होमवर्क करने लगे तो स्कूलों को इसके इस्तेमाल को बैन करना पड़ा। दरअसल चैट जीपीटी को बड़े डेटा सेट के साथ ट्रेन किया जाता है और ये डेटा अगर आधा अधूरा है या बायस्ड है तो इसके रिजल्ट्स भी बायस्ड हो सकते हैं। अगर स्टूडेंट्स दूसरे सोर्सेज से इंफॉर्मेशन को वेरीफाई नहीं करते तो इस बात की बहुत संभावना है कि चैट जीपीटी के हर जवाब को वो सच मान ले। इस एआई टूल ने नकल और विचारों की चोरी को बिल्कुल आसान बना दिया है। ऐसा नहीं है कि इस ओर किसी टेक कंपनी का ध्यान नहीं गया है। कुछ कंपनियां हैं जो प्लेजरिज्म यानी ऐसी चोरी को चेक करने वाले टूल्स पर काम कर रही हैं, लेकिन वो कितनी कामयाब रहेंगी इसका फैसला तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन इस पर खुद हाथ खड़े कर चुके हैं। उनका कहना है, हम उन उपायों को ढूंढ रहे हैं जिनसे जीपीटी के सिस्टम के आउटपुट का पता लगाने में टीचर्स की मदद की जा सके। हम वाटरमार्क और दूसरी लेबलिंग तकनीकों पर काम करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसी परफेक्ट तकनीक बनाना असंभव है। लोग पता कर ही लेंगे कि कितना टेक्स्ट बदलना है। तो इस वक्त एजुकेटर्स के दिमाग में आखिर क्या चल रहा है? ग्रेटर नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर और डायरेक्टर डॉक्टर संजीव चतुर्वेदी कहते हैं, हमारे यहाँ पर इस बात पर तो सहमति बन रही है कि एआई टूल्स के इस्तेमाल को रोका नहीं जा सकता, लेकिन अगर छात्र चैट जीपीटी की मदद से 30 से 40 पेज का प्रोजेक्ट कर रहा है तो उसे अब एक ओरल प्रेजेंटेशन देना होगा जो उसके प्रोजेक्ट का सार होगा। उसके आधार पर सवाल जवाब पूछे जाएंगे। इससे ये होगा कि छात्र कम से कम उन 30-40 पन्नों को पढ़ेगा और समझने की कोशिश करेगा। जाहिर है चुनौती नहीं है, तो अब एजुकेटर्स नए तरीके भी अपनाने को मजबूर हैं। प्रेजेंटेशंस, टीम वर्क, रिसर्च, इन सब पर अब नए सिरे से ध्यान देना होगा। अमेरिकन फिलोसोफर और लिंग्विस्ट नोएम चॉम्स्की की माने तो चैट जीपीटी एक हाई टेक प्लेजरिज्म टूल है, लेकिन इसका जिम्मेदार वो बोरिंग एजुकेशन सिस्टम को मानते हैं। वो कहते हैं कि जब तक टीचर्स अपनी क्लासेस को दिलचस्प नहीं बनाएंगे तब तक छात्र इसी तरह के टूल्स का सहारा लेते रहेंगे। तो क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजुकेशन एस्पेक्ट को लेकर जो फ्यूचर है वो धुंधला और उदास है? नहीं, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वॉइसेस भी हैं जो इसको लेकर काफी पॉजिटिव है। ऐसे ही दो बड़े नाम हैं खान अकेडमी के साल खान और कोर्सेरा के फाउंडर एंड्रयू नेंग का। दोनों इसे एक एक्साइटिंग डेवलपमेंट के तौर पर देखते हैं जो लर्निंग की दुनिया में क्रांति ला सकते हैं। देखिए, बात सीधी है, एआई टूल्स और इसकी दुनिया से बचना, ऐसी कोशिश करना बेकार है। जरूरत है उस तैयारी की जिसके साथ स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी बनी रहे, वो ओरिजिनल थॉट्स और राइटिंग की चोरी के बिना इसे सिर्फ एक हेल्पफुल गाइड की तरह यूज करें। उम्मीद है कि जल्द ऐसे ही टूल्स स्कूल्स और कॉलेजेस में मिलेंगे जो एआई से असाइनमेंट्स का पता मिनटों में लगा लें।